हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर 23rd में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन पैरा जंबल से है। गिवन बिलो आर फोर जंबल्ड सेंटेंसेस, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। अब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ए, बिकॉज ऑफ द सन और एनी सोर्स ऑफ लाइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे लुक डार्कर और लाइटर। बी, यूजली इट्स बॉटम एरियाज आर मच डार्कर देन एरियाज नियर द टॉप। सी, हैव यू एवर सीन अ बॉल सिटिंग इन द सन। डी, ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड रेयरली अपीयर टू बी जस्ट वन शेड। इसके ऑप्शंस हैं ए बी ए सी डी, बी ए सी बी डी, सी बी ए डी सी, डी डी ए सी बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज डी ए सी बी। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। ये देखिए, ये जो चार सेंटेंसेस गिवन हैं इनमें हमें सबसे पहले देखना है कि ऑब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है, दैट इज ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड रेयरली अपीयर टू बी जस्ट वन सेट। ये जो ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड है ये इस पैराग्राफ में सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि इसी के बारे में फर्दर आपको जो स्टेटमेंट ए है उसमें रीज़न बताया गया है इस स्टेटमेंट का। तो सेंटेंस ए को पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ द सन और एनी सोर्स ऑफ लाइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में लुक डार्कर और लाइटर। तो आपने यहाँ जो डी है इसमें आपने एक सेंटेंस बोला, उसके बाद आपने उसको फर्दर यहाँ पर एक्सप्लेन किया ए में, और उसके बाद आपने सी में उस जो रीजनिंग है जो आपने दी है उसको सपोर्ट करने के लिए आपने एक क्वेश्चन अराइज किया, और बी में आप उस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ का जो सीक्वेंस होगा वो डी ए सी बी बनेगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम्स में करना है। सबसे पहले आप देखिए कि जो पैराग्राफ का जो मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात, जिससे बात शुरू हो रही है, जिसके बारे में बात करी जा रही है ज़्यादातर पैराग्राफ में, वो होगा मेन सब्जेक्ट। उसके बारे में जहाँ पर भी जिस सेंटेंस में स्टार्टिंग में मेंशन करा जाए, मतलब कि जैसे इसमें किया था ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड रेयरली अपीयर टू बी जस्ट वन सेट, तो वो आपका फर्स्ट होगा। और उसी तरीके से आपको धीमे धीमे एक एक करके आपको ऑर्डर मिलता जाएगा। तो इसी तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से आप पैरा जंबल को सॉल्व कर सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हो ऑप्शंस के थ्रू। अब जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में जो फर्स्ट पोजीशन पे डी केवल एक ऑप्शन में दिया था, तो आप अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि डी जो है पहला होगा स्टेटमेंट, तो आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया, आपको आगे कुछ देखना ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें, और अपनी चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।